भारत में गवर्नमेंट सर्विस में टैटू अलाउड क्यों नहीं होते? दरअसल कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि भारत में कुछ गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि बैंक क्लर्क, इंजीनियरिंग सर्वे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जैसे कई अन्य फील्ड में टैटू अलाउड होते हैं। लेकिन बात अगर IAS, IPS, IFS, INS, इंडियन डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी की जाए तो इसमें टैटू अलाउड नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए वो है DCJs। असल में दोस्तों कई बार टैटू बहुत सी बीमारी की वजह से बन जाते हैं, जिसमें स्किन कैंसर, हेपेटाइटिस बी और ए, टिटनेस और बहुत सी एलर्जीज आती है, जिसके चलते हुए ये पॉसिबिलिटी बहुत बड़े स्केल पे जनरेट होती है कि आगे आने वाले समय में वो इंसान किसी भी तरह से मेडिकली अनफिट हो सकता है। अब वो डिपार्टमेंट जिसमें किसी भी इंसान फिट रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उन सभी डिपार्टमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट टैटूज की वजह से इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाता और इसीलिए बहुत सारे डिपार्टमेंट में टैटूज बैन होते हैं। अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है डिसिप्लिन। असल में दोस्तों बहुत सारे देशों में बहुत सी ऐसी जॉब्स होती है जो ना कि अपने कंट्री में बल्कि विदेशों में भी अपनी कंट्री की डिसिप्लिन दिखाती है। अब क्योंकि टैटूज काफी ज्यादा फैशनेबल चीज होती है तो ये कभी भी उस इंसान को उतना डिसिप्लिन रिप्रेजेंट नहीं करती है जितना कि उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड होता है, और इसलिए बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट टैटू वाले इंसान को जॉब पर नहीं रखती। सो फाइनली अब आप जानते हैं आखिर क्यों कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में टैटूज अलाउड नहीं होते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।